पहला वीडियो में हम लोग विचार किए थे, जब कोई किसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार की समस्या होते हैं और लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ एक्चुअली कौन कुट चक्रांति है, कौन डिप्लोमेसी कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है, कौन पीछे से वार कर रहा है, कौन आगे से वार कर रहा है, और कौन अप्रत्यक्ष मिष्टभा प्रियवादी नाम परक्षे कार्य हंतारम, यानी सामने मीठा बोल रहा है और पीछे कार्य को विनष्ट कर रहा है, निंदा कर रहा है, पीछे जाके लोगों को आपके विरुद्ध में, आपके अपने लोगों को अपने आपके विरुद्ध में बोल के आपके दुर्गुण गान करके वो भड़का रहा है, या उनको आपके विरुद्ध बना रहा है, आपको अकेले बनाने का एक षड्यंत्र बना रहा है। क्योंकि जब कोई मिस्टर एक्स जातक एक था, उसके साथ जो लोग मित्र हैं उनके सामने इसका इज्जत खा दें तो ये अकेले हो जाएगा, ये नेचुरली अकेले हो जाएगा, तो इसको हम आराम से अटैक कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है षड्यंत्र करने का, कि अपने टारगेट को पहले अकेले करो, यानी उसके मित्र, इसके बंधु और उसको सहायता करने वालों से अलग कर दो, डिफेंड कर दो, उसके पास जो सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट कर दो। ये बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशनल षड्यंत्र में ये ज़्यादातर दिखाई देता है, और उसके तहत ये लोग इस प्रकार के काम करते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा और उस प्रकार के समस्याओं को लेके आप कैसे ये डिफाइन कर सकते हो कि आपका शत्रु कौन है और मित्र कौन है? आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये इनमें से कौन है जो सच में आपका भला चाह रहा है और बुरा चाह रहा है? जीवन में ऐसे स्थिति आ जाते हैं, मुख्यतः साढ़े साथी में, शनि का साढ़े साथी में। जैसे मैं ये एक्स जातक को दिखाया जिसका मकर राशि हुआ, और इसका साढ़े साथी जब रन करने लगा तो उसके जीवन में इस प्रकार के समस्याएं आने लगें, तो अपने लोग ही उसके पीछे षड्यंत्र करने लग गए, जो ये जिससे सबसे ज़्यादा विश्वास करता था वही लोग ही षड्यंत्र करने लगे, वही लोग ही इसके ऑर्गेनाइजेशन या इसका ऑफिस या इसका जो भी बड़ा कंपनी था उस कंपनी को ध्वस्त करने के लिए, डाउन करने के लिए, बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, बदला लेने के लिए, प्रलय करने के लिए, जो भी एनीथिंग इट में भी वो जो षड्यंत्र चलाया गया, और उस षड्यंत्र जो सामने जिसका चेहरा दिखाई दे रहा है या जो फाइट कर रहा है, जो एनिमी है, एक्चुअली वो एनिमी नहीं है, उसके पीछे कुछ और एनिमी है, जिसने मैं जो रिसर्च करके जो निकाला, ये जो पार्ट है ब्लैक कलर का, जिस जातक को मैं बनाया हूँ यहाँ पर, जिसका ग्रह पोजीशन एक काल सर्प ये भी है, और जो सामने लड़ रहा है ये भी एक काल सर्प है, और इस कंडीशन में जो बचाने वाले हैं इनके पीछे भी कोई एक शत्रु खड़ा है जो कि दिखा रहा है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस एक्स को बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम ये डिफाइन कर पाएँ कि एक्चुअली है कौन शत्रु स्थानीय कौन है, तो सीधा सीधा इस लग्न के, अगर तुला लग्न पे हम लोग देखेंगे तो इस तुला लग्न में व्यय है कन्या राशि। ये कन्या राशि का बुध का ड्राइव का कन्या राशि यहाँ पर आके व्यय है, यानी नुकसान है, यानी खत्म। ये जो 12 घर है हम जिसको सोचते हैं, व्यय स्थान, जेल का स्थान, व्यय का स्थान, नुकसान का स्थान, क्षति का स्थान, जहाँ पर आपका सब खर्चा हो जाता है, या आप खर्चा करते हो, या फिर इसी से ही आप ऐसे कुछ रंध्र स्थान है जहाँ पर आपका सब कुछ बर्बाद, प्रलय, ध्वंस हो जाता है। और ठीक इसका अल्टरनेट हाउस है छठवां हाउस मीन राशि, जो रोग रिपु ऋण का स्थान है, दुख कष्ट पीड़ा का स्थान। यहाँ आ गया वृष राशि, छः के बाद आठवां वृष राशि, यहाँ मृत्युतुल्य कष्ट, पीड़ा, कष्ट, ये जो दुख, अति दुख, अति कष्ट, यहाँ से स्थान है। तो इन राशियों के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं या तो कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, या रोग रिपूर्ण ऋण में डाल रहा है, रोग में डाल रहा है, या शत्रु बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर भूमिका निभा रहा है, शत्रु उत्पन्न कैसे करें, और या फिर ये इसका एक ड्यूटी और भी होगा कि जो शत्रु बन रहे हैं उसको दमन करें, मारे, पीटे। और फिर अगर इनको देखिए, ये जो कन्या राशि है यहाँ ज्योतिष में
यह भी कहा जाता है कि राहु केतु को जैसे जब घर नहीं मिला तो मीन राशि गुरु का एक राशि को और कन्या राशि को कहीं ना कहीं राहु और केतु अपना अपना घर मानते हैं। अब ये डिफाइन करना है कि यहाँ से राहु केतु और एक्सिस कौन है, यहाँ कौन सा एक्चुअली, ये जो बुध का स्थान अगर डाउन है तो यहाँ क्या ये इसका लग्नेश बुध नहीं राहु है। अगर यहाँ गुरु का जो जातक है इसका एक्सिस क्या केतु का है। फिर इसमें एक और चीज आप देख सकते हैं, इस जातक का केतु यहां बैठे हैं, वृष के घर में केतु बैठे हैं, और यहां से अगर जनरली कहा जाता है केतु का कोई दृष्टि नहीं होता है, और अगर कुछ ज्योतिषों के माने और ये केतु का दृष्टि मानते हैं तो केतु यहां से सीधा पहला एस्पेक्ट 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर हम लोग माने उल्टा देखता है बोल के तो यहां पर लाके देखते हैं तो पांचवा दृष्टि में कन्या घर को देख रहा है, और सातवा दृष्टि में यहां जो जहां पर राहु है सेकंड हाउस वृश्चिक लग्न, यानी केतु का नेगेटिव एनर्जी से वृश्चिक लग्न कन्या राशि और यहां से मकर राशि। यानी जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी व्यक्ति का कौन सा एनर्जी से इसका जीवन में नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव लोग इस प्रकार के व्यक्ति जो इसका सर्वनाश करने के लिए आए हैं, इसका इंटरनल शत्रु कौन है, छुपा हुआ शत्रु कौन है, और आपको पता है राहु हमेशा छुपा हुआ राहु हमेशा राहु और केतु एक्सिस का पहला काम है माया छुपाना, प्लानिंग बनाना, इंटरनल डैमेज करना, बाहर से दिखाई नहीं दे, बाहर से एक रूप दिखाई देना और अंदर से सच में एक रूप रहना। ये जो कूटनीति है, ये जो डिप्लोमेसी है, ये जो षड्यंत्रिक विचार है, षड्यंत्रिक प्लानिंग, लॉन्ग रन तक प्लानिंग करना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इस प्रकार के राहु ड्राइव केतु ड्राइव के जो व्यक्ति विशेष हैं अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढ लोगे, आपके संगठन में ढूंढ लोगे, तो ये हमेशा द्विस्वाभाविक राशि में हो या फिर कहीं ना कहीं द्विस्वाभाविक राशि तो बहुत अच्छा है। अब देखिए कन्या राशि बहुत अच्छा है, कन्या राशि के गुण धर्म को अगर जाएंगे मैनेजमेंट वाला राशि है, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग राशि है, एक जहां कोई नहीं कर सके तो ये 12 राशि में एक राशि को कन्या राशि को छोड़ दो ये करके आ जाने वाला राशि है। लेकिन अगर ये कन्या राशि में केतु जैसे ग्रह बैठ गया है, कन्या राशि अगर चंद्रमा वहां पर बहुत कम डिग्री का है और बुरे ग्रहों से दृष्ट है और शत्रु गृहस्थ है, यानी जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के पीछे किसी और जो जिसको हम बोलते हैं पाप कर्तरी इस प्रकार की स्थिति में फंसा हुआ है, या फिर छठवां में चंद्र है या आठवां में चंद्र है, और मैं तो सबसे ज़्यादा दुखी इनको देखा हूँ जिनका 12वां में चंद्र है, 12th हाउस चंद्र है, तो इस प्रकार के कटु मानसिकता क्रूर मानसिकता ऐसा मानसिकता जिन मानसिकता को जनरली कोई समझ नहीं सकता उस प्रकार के व्यक्ति भी सब हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अगर अच्छे ग्रहों का दृष्टि है तो बहुत अच्छा भी होते हैं, तो इस प्रकार के अगर राशि पीड़ित हैं तो उस प्रकार के जिनको कि बड़ी भयंकर उल्टा दिमाग जिसको कहा जाए, बोलो एक समझें और एक 5 साल ज्ञान लें और लेकिन जब काम करें तो उल्टा काम करें, किसी को फंसाना, ब्लैकमेल करना, किसी को गाली देना, किसी को टंच कसना, किसी को कमेंट करना, किसी को दिमाग में ऐसा नेगेटिव बात घुसा दो कि वो रावण बन जाए, यानी रावण जब आप बनाए हो फिर वो रावण का एनर्जी को झेलने के लिए भी आपको तैयारी हो जाना चाहिए कि आप उस प्रकार के व्यक्ति को निर्माण किए हो तो आप वो तुमको तो छोड़ेगा नहीं। तो स्वाभाविक बात है ये कन्या राशि, यहां से अगर एस्पेक्ट देखते हैं पांचवा सातवां और फिर वहां से सीधा नौवां, तो इस प्रकार के व्यक्ति को मैं जब रिसर्च किया देखा तो उसके जीवन में इस राशि के लोग इर्द गिर्द हैं, और अगर उसी प्रकार राहु को भी आप देखेंगे तो कर्कट में और यहां से फिर वृष में और यहां से फिर यहां छठवां में, यानी मीन वृष और कर्कट। तो अब इस राशि में यहाँ से लोग नहीं हैं लेकिन केतु के अस्पेक्ट जिस जिस घर में पड़ रहा है उस प्रकार के लोग इर्द गिर्द, यानी जब इस जातक का या इस ऑर्गेनाइजेशन का या इस व्यक्ति का जब शनि का महादशा चालू हुआ और इधर से 7.5 चालू हो रहा है उस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा यहाँ से इस प्रकार के नेगेटिव व्यक्ति उसके इर्द गिर्द रहने लगे, और ये आप उसका विश्वास जीतने लगते हैं और विश्वास जीतने में सफल भी हो जाते हैं कि पूर्ण विश्वास कर दे, इवन जरूरत पड़ा तो अपना ऑफिस का चाबी भी दे दे, अपने मेन अलमारी का मतलब ऑफिस अलमारी का चाबी भी दे दे, लेकिन यहीं से ही धोखा शुरू हो जाता है।
ये ऑर्गेनाइजेशन को डुबाने के लिए, इस व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए ये ही लोग ही इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। एग्जैक्टली अगर ये हम समझ जाएं कि ये है, अब इन व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति पकड़ लो, मैं व्यक्ति को मार देता हूं, काट दो, पकड़ लो, यहां वृश्चिक लग्न का कोई व्यक्ति है या कन्या राशि का एक व्यक्ति है, इसे मार दिया, काट दिया या इसको हटा दिया, आप देखोगे उसी के एनर्जी लेके फिर से कोई एक दूसरा आदमी खड़ा हो गया। यानी व्यक्ति तो मांस हाड रक्त मज्जा से बना, पंचभूत से बना एक शरीर, मर गया तो मिट्टी के साथ मिल गया, एक मशीन है, एक ऑब्जेक्ट है, एक माध्यम है, वो शत्रु कदाचित नहीं है, शरीर शत्रु नहीं है, वो शरीर वो एनर्जी को कैरी करके आ रहा है, क्योंकि इसको यहां आठवां का मरण तुल्य कष्ट पीड़ा दुख उसको देना है, तो वहां से सप्लाई हो रहा है कन्या राशि के लिए, वहां से सप्लाई हो रहा है वृश्चिक राशि के लिए, वहां से सप्लाई हो रहा है मकर लग्न के लिए, मकर राशि के लिए, यानी इतने व्यक्ति इसको कष्ट दे सकते हैं इन इन एस्पेक्ट से। क्यों बाकी राशि के लग्न के लोग नहीं आए, ये आए, यानी केतु यहां कहीं ना कहीं डेवलिगेशन कर रहा है और ये एनर्जी यहां से सप्लाई होके इन तक आके इसके माध्यम से इस तुला राशि के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, यानी बेस धनेश और यहां से एक दो तीन चार पांच सॉरी एक दो तीन चार चतुर्थेश, यानी केतु यहां से सुख को मार रहा है, धन को मार रहा है और यहां व्यय को बढ़ा रहा है इसके माध्यम से। अब यहां अगर केतु का व्यवस्था किया जाए, केतु को अगर ट्रीटमेंट कराया जाए या रेमेडी किया जाए या केतु का नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए, बहुत से तरीके हैं, गणेश जी का वंदना, गणेश जी का पूजन, गणेश जी को दुर्वादान, गणेश मंदिर में जाना, गणेश जी को मोदक देना, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, और फिर लाल किताब के अनुसार हो या बेसिक एस्ट्रोलॉजी के जो केतु का रेमेडीज हैं, जिन जैसे मंदिर में एक केला देना जाके प्रतिदिन ऐसे करके 36 दिन का के या 48 केला देना, इस प्रकार का कुछ विधान है, और भी केतु के बहुत सारे विधान हैं जो मैं आगे चल के रेमेडी पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार का जब इसको किया गया तो नेचुरली ये लोग ऑटोमेटिक दूर होने लग गए, और सबसे ज़्यादा यहाँ जो व्यक्ति आए, कोई ये जो अटैक हुआ या ये जो षड्यंत्र कूटनीति चला, ये कोई अच्छे लोग आके नहीं किए, बड़ा डेब्लिकेट बड़े नीच लोग आके ये सब करने लगे, जिनका मानसिक बहुत क्रूच है। जैसे अभी सोचूं वृश्चिक राशि का बात, वृश्चिक राशि का राशि यानी चंद्र वहाँ जाके डेब्लिकेट होता है, और वो भी वहाँ शनि के साथ राहु बैठा हुआ है, यानी वो उसका मन एक ऐसा मन है वृश्चिक राशि वाला या यहाँ कन्या राशि वाला, केतु के साथ चंद्र बैठा है, तो नेचुरली हमें जनरली क्या लगता है, केतु के साथ चंद्र बैठा तो चंद्र का शक्ति को बढ़ाएगा, ओवर पावर करेगा, तो उसका थर्ड आइज बढ़ जाता है, वो आगे तक देख सकते हैं, ये तो पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन नेगेटिव पार्ट ये भी है कि बोलो एक समझे और एक, कहो एक करे एक, तो ये इस प्रकार का यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये केतु का एनर्जी बेसिकली इसको इफेक्ट करता है। और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा कालसर्पी, देखिए ये एक कन्या राशि वाला, ये भी एक कन्या राशि वाला, दो दो कन्या राशि वाले यहाँ हैं, जो कन्या राशि दोनों कालसर्पी हैं, और ये दोनों कालसर्पी इसको जाके अफेक्ट करते हैं बड़ा भयंकर लेवल में, एक प्रचंड रेखा में करता है, एक सामने आके करता है, और उसी प्रकार यहाँ से भी एक जो मैं जैसे बोला, यहाँ से केतु का एनर्जी जब मूव किया या केतु का जो हाउस इसको अगर हम बोलें, और मीन लग्न मीन राशि का ये व्यक्ति यहाँ से आते हुए जो अटक ले रहा है, लेकिन बचाने के लिए भी उसी घर से ही आउट हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से जो व्यक्ति बचाने के लिए, जो गुरुजी यहाँ गुरु का घर है और यहाँ से किसी गुरु ने भी इसको बचाने का कोशिश कर रहे हैं, और इसका जो फादर हाउस है वो भी उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो बचाने वाला और उसको फंसाने वाला, यानी ध्वंस प्रलय बर्बाद करने वाला और उसको बचाने वाला, ये दोनों एक्सिस। अब यहाँ जीत किसका हो रहा है, जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा है, जिसका पास प्लैनेटरी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जी अगर ये बचाने वालों का प्लैनेटरी ऊर्जा, ये जो तीन और चार और कुछ इधर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से जो बचाने वाला ऊर्जा है इनका अगर स्ट्रांग ऊर्जा है, फिर ये फंसाने वाला ऊर्जाओं का कमी नेचुरल डाउन हो जाता है उनके आगे। तो आप देखिए ये प्लैनेट का ही खेल है,
मैंने जैसे बोला कि आप किसी व्यक्ति शरीर हड्डी रक्त मांस पंचभूत के बना शरीर का शत्रु नहीं है। शत्रु है वो जो एनर्जी जहाँ से वो चल के आ रहा है, वो उसको मीडिया बना रहा है, उसको माध्यम बना रहा है। और सोचिए इसका इन तभी होता है जब इसका शनि महादशा में बुध अंतरदशा चल रहा है और शनि का साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। और जब अब इसको स्टडी किया गया, इस व्यक्ति को मैं जब स्टडी किया, क्योंकि इसका उम्र करीब करीब 48 ईयर हुआ, तो मैं बोला यार 48 हाँ, तो मैं बोला शनि का साढ़े साती तो इससे पहले भी लगा होगा। जैसे 1990 में शनि फिर मकर राशि पे आए थे, अभी फिर मूव करके मकर राशि में आए, तो उस समय साढ़े साती याद करो, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय भी साढ़े साती के कंडीशन में इस जातक के साथ सेम घटना हुआ 30 साल पहले, और सेम घटना 30 साल के बाद रिपीट होता है। 30 साल पहले ही वॉज इन कॉलेज, अपना कॉलेज में पढ़ रहा था, और कॉलेज में फिर मैं उसका पूरा टिटल खंगाल के निकाला, ऐसे व्यक्तियों के पास गया, निकाला, उनको कोशिश किया कि उनका जातक लेके आ, जो लोग तेरे को बदनाम किए थे। तो कॉलेज में उसी समय उसी नाम अक्षर का, म नाम अक्षर का एक व्यक्ति हुआ, कन्या राशि का रहा, और म नाम अक्षर में मतलब बुलाने का नाम उसका म था। तो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बाई चांस वो सीक्रेट हम लोग रखते हैं, जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट का सब कुछ सीक्रेट रखता है, तो हम ज्योतिष भी अपने जो क्लाइंट होते हैं उनका सारा बात कुछ सीक्रेट रखते हैं। तो उस समय भी उसी प्रकार वो सेम षडयंत्र में फंसा था, लेकिन वो उसका लाइफ का पहला साढ़े साथी था, तो शनि बाबा उसके साथ खेल के छोड़ दिए। सेम बदनामी हुआ था, अपने कॉलेज पे चेहरा दिखाने लायक नहीं था, रास्ते पे चेहरा दिखाने का लायक नहीं था, घर में चेहरा दिखाने का लायक नहीं था। आज जिस केस में इस साढ़े साथी में जैसे ही बदनाम हुआ था उस समय वैसे ही बदनाम हुआ। उस समय उसके लाइफ में उसी प्रकार के ही लोग आए, सेम ब्लैक चेहरा कर और उसी प्रकार के कालसर्पी लोग आए थे, और उन हम लोग निकाले उसको, मैं जाके बहुत सारे लोग लगा के, और फिर तब ये समझ में आया कि शनि का बुध अंतरदशा में इसको कार मिला है, शनि का बुध अंतरदशा में इसको केतु अंतरदशा में उसको जिक्सर जैसे बाइक मिला है, शनि का केतु शनि महादशा में उसको और भी बहुत कुछ, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिले हैं, बहुत कुछ पैसा भी आया, 14-25, 14 लाख 12 लाख रुपया तक भी आया है, यानी शनिदेव तो धन दिए हैं, शनिदेव तो पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए हैं, लेकिन ये बुध का अंतरदशा और बुध यहां जाके उसका किस घर में बैठा हुआ है, अष्टम घर में बैठा हुआ है, किस कंडीशन में, बकरी कंडीशन में बैठा हुआ है, और उसका स्पेट कहां पड़ रहा है, राहु के ऊपर पड़ रहा है। तो शनि का बुध अंतरदशा में इसके ऊपर जब यहां इंपैक्ट पड़ रहा है, तो यहां रिजल्ट भी तो अच्छा आ रहा है, लेकिन इस कंडीशन में मानसिक डिप्रेशन, मानसिक पेन, मानसिक पीड़ा, और ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट डिस्ट्रॉय। अब ये जब प्रॉब्लम समझ में आ गया, तो फिर समाधान के बारे में भी चिंतन किया गया, और इसके साथ हम लोग जब इन नेगेटिव एनर्जियों को, जो नेगेटिव एनर्जी इस शरीर के माध्यम से उस व्यक्ति विशेष के माध्यम से आए, उनको कैसे डिसेपरेशन करना, और ये सारा प्रॉब्लम होने के बाद फिर भी दूसरा षडयंत्र लगा दिया गया कि ये फिर से एक बार कवर अप करना, और उसका उसका दया, क्योंकि दया जीतना, विश्वास को जीतने का दूसरा फिर षडयंत्र कराया गया, और फिर धोखाबाजी कराया गया। तो ये जब इसका रेमेडीज किया गया, तो उस प्रकार के लोग ऑटोमेटिक दूर चले गए, और ये ऑर्गेनाइजेशन और उस व्यक्ति मिस्टर एक्स कहीं ना कहीं बच जाता है। तो ये एनर्जी, जो प्लैनेटरी एनर्जी इस शरीर के माध्यम से, एक व्यक्ति के माध्यम से आता है और आपको इम्पैक्ट करता है, अगर आपके पास सॉलिड एनर्जी है, सॉलिड ऊर्जा है, तो आप के पास कोई प्रॉब्लम्स इतना जल्दी नहीं आ पाएगा, आएगा तो खड़ा हो नहीं पाएगा, खड़ा हुआ तो भी बहुत टिक नहीं पाएगा, टिक भी गया तो आपको, आप उसको ट्रिगिंग कर सकते हैं बाय योर स्पिरिचुअल एनर्जी, बाय योर साधना एनर्जी, बाय योर मैं कहूँगा यहाँ जुपिटेरियन एनर्जी, यानी पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन या तो आप देखेंगे, मैं बहुत सारे केसेस इस प्रकार के केस हिस्ट्री को स्टडी किया हूँ, बेसिकली इनको जुपिटेरियन एनर्जी ही बचाता है। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई किसी प्रकार का केस है, आपका कोई संगठन है, आपका कोई परिवार है, आपका कहीं किसी भी प्रकार के षडयंत्र का शिकार हो रहे हैं, किसी प्रकार के आप डिप्लोमेसी का शिकार हो रहे हैं, किसी भी प्रकार के राजनीति का शिकार हो रहे हैं, तो इस प्रकार के केस हिस्ट्री हमारे पास भेजिए, और जब एक प्लॉट में आप ले आएंगे सबको, अकेले अकेले का किसी का जातक को देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, गारंटी है। लेकिन जब सबको एक जगह में प्लॉट कर देंगे, सबको एक जगह में ला के रख देंगे, और यहाँ से फिर निकालेंगे कि कौन सा किस, कौन जातक
कौन षड्यंत्रकारी है, कौन सहायताकारी है, कौन कौन से हाउस से लिंक रखता है, किस एनर्जी से ये मूव कर रहा है, तब आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सच क्या है, झूठ क्या है, जो भी ये झूठा तोहमत लगा रहे हैं इस प्रकार के जातक, उसमें से सत्य कितना है, और सच शत्रु कौन है और मित्र कौन है, और ओरिजिनली आप यहां से रास्ता क्या निकल सकता है। जब सप्पी के जातक को आप प्लॉट कर दोगे सोल्यूशन निकालने वालों का, शत्रुतुल्य शत्रु लोगों का, मरण तुल्य कष्ट देने वालों का, सामने मीठा बात बोल के पीछे से षड्यंत्र करने वालों का, आपके ऊपर झूठा तोहमत लगाने वालों का, इन सबका लाके आप रख दीजिए, और जिनका नहीं मिला जातक या नहीं मिल पा रहा है उनको प्रश्न कुंडली में चलिए। प्रश्न कुंडली आप नहीं करें, किसी और ऐसे अनजान व्यक्ति को लाके उसका समय स्थान प्रश्न के ऊपर आप प्रश्न कुंडली यहाँ पर लगा सकते हैं, तो उस एनर्जी का प्लैनेटरी और पोजीशन, लग्न और राशि मिल जाएगा, ताकि आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पा सकें कि बेसिकली मैं देखा हूँ इस प्रकार का समाधान बढ़िया होता है। तो अगर आपके पास इस प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन डूब रहा है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई व्यक्ति किसी प्रकार के षड्यंत्र में फंस रहा है, किसी प्रकार के कूटनीति, राजनीति, डिप्लोमेसी में फंस रहा है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे, और हम आपको देंगे सोल्यूशन, आपको देंगे ऐसे षड्यंत्री कूटनीति वाले करने वाले व्यक्ति विशेष का सही पहचान, और आप उनसे बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं, और उल्टा आप उनके विरुद्ध में षड्यंत्र कूटनीति और राजनीति चला सकते हैं। उस प्रकार के फॉर्मूलाज भी देंगे जो यही प्लैनेट से ही निकलता है, ये प्लैनेट ही कह देता है कि ये रेमेडी है, ये कुंडली, ये जातक ही कह देता है कि इस समय ये रेमेडी है, और इतना समय तक आपका आपका प्रश्न का समाधान मिल जाएगा, आपके आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। और हम ऐसे कई सारे समस्याओं को आगे चल के और भी इस प्रकार के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, मैं जैसे बता रहा था पिछला वीडियो में, कई सारे मेरे दोस्त और मेरे रिलेटिव और यूट्यूब को देख के ही बहुत सारे लोग, मेरा पहले भी 5 यूट्यूब है, ये 2 मोबाइल नंबर मैं जो बोला इसको टाइप करने से मेरे वीडियोस निकल जाएंगे, तो उस प्रकार के लोग हमारे साथ संपर्क हुए। मैं उन ऑर्गेनाइजेशन को जाके स्क्रूटनी किया, एज ए CID एक खोज किया, एज ए उन लोगों को ला के बैठाया। उन लोगों से बात करने का जरूरत नहीं है, उन लोगों का जातक ही मिल जाए और उनका ग्रह दशा मिल जाए, क्या महादशा में रन कर रहे हैं, क्या अंतरदशा में रन कर रहे हैं, और उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और नेम इतना दे दीजिए, फिर हम वहाँ से निकाल देंगे कि यस इसमें से ये सबसे मतलब आपका शत्रु हैं और ये आपके मित्र हैं, ये आपका नुकसान कर रहे हैं, ये आपका प्रॉफिट हाउस में है, ये आपको बर्बाद, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, बदला लेना चाहते हैं या आपको बर्बाद करना चाहते हैं, और ये आपके बचाने वाले हैं। सच ये है, झूठ ये है। और कभी कभी जो लोग भी आपका झूठा विश्वास को जीत लिए हैं और बचाने के एक रूप में अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं, उन प्रकार के लोगों को भी आप आपको पहचान करके दे देंगे और आप अपने को रक्षा कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहाँ पर समापन। नमस्कार।